बरेली के किला थाना क्षेत्र के कंगी टोला निवासी जरी कारीगर फूल मियां के पैरों तले से उस वक्त जमीन खिसक गई जब उनके पास 114 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बकाए का आयकर नोटिस आया। इतना ही नहीं, दिन में 300 से 400 रुपए कमाने वाले फूल मियां के नाम से दिल्ली में चल रही फर्म ने करीब 5 साल में 232 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर भी कर डाला। दरअसल फूल मियां ने 2018 में मोहल्ले के ही गुड्डू सुंदर उर्फ उवैस से संपर्क किया, जो 3-4 बार दुबई जा चुका है। साथ ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए विदेश भेजता है। गुड्डू ने उन्हें नन्हे उर्फ सुहेल से मिलवाया। इन लोगों ने विदेश में नौकरी लगवाने का वादा कर उनसे आधार और पैन कार्ड जैसे जरूरी कागजात ले लिए थे, साथ ही कुछ पेपर्स पर हस्ताक्षर भी कराए थे। इसके बाद दिल्ली में उनके नाम से फर्म खोल ली। आयकर विभाग का नोटिस आने के बाद बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फूल मियां ने बताया कि वो जरी के अड्डे पर काम करते हैं, काम मिला तो दिन के 300-400 रुपए ही कमा पाते हैं, इस वजह से विदेश जाकर कमाने की बात सोची थी। मतलब पास में जरा घर की दूरी पे मेरे गुड्डू सुंदर, जिनका नाम उवैस भी है, जिनकी बल्दिया था वो मोहम्मद मियां, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट लिए थे नौकरी के झांसा देकर। मतलब मुझे कहना है मैं नौकरी लगवा दूंगा, वो सऊदी दुबई जाते रहते थे। उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा चलिए। फिर उनके घर पर बैठ के मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए उनको, उनकी बीवी भी थी वो भी थी, और जिनका नाम है उनकी पत्नी का नाम है चमनारा। इन लोगों ने मुझसे पेपर लेके, क्योंकि वो हमारे ससुराल के पास में रहती थी, हमारे ससुराल के साथ करीब थी, तो हमने चले भरोसा करके दे दिए, कोई बात नहीं। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई अब हमारी नौकरी, बोले सही है तुम 8 दिन रुको। 8 दिन के बाद जब हमने उनसे कहा, बोले अभी बॉस नहीं है हमारा, बॉस आ जाएगा तो हम तुम्हें फिर बात करते हैं। फिर उसके बाद जब उनसे हमने कहा तो बोले वो ऐसा है, रुक जाओ, बॉस आया नहीं है अभी क्लियर नहीं हुए तुम्हारे डॉक्यूमेंट क्लियर। फूल मियां का आरोप है कि उवैस और सुहेल ने आश्वासन दिया था कि उन्होंने दिल्ली निवासी मालिक आसिफ खान उर्फ अब्दुल रज्जाक से नौकरी की बात कर ली है। इसके बाद कोरोना काल के नाम पर टालते रहे। इस बीच फरवरी 2024 में आयकर विभाग का नोटिस आया, इसमें 1,14,43,62,496 रुपए का टैक्स बकाया दिखाया गया है। नोटिस के अनुसार फूल मियां के नाम दिल्ली में एक फर्म है जिसने 2,32,21,22,861 रुपए का टर्नओवर किया है। आरोप है कि आरोपियों ने आसिफ के साथ मिलकर फर्म का जीएसटी में पंजीकरण कराया है। टैक्स का नोटिस आया, क्या कहेंगे? हम इनके घर गए, इनकी बीवी से चमनारा से हमारी बात हुई 2-4 दफा। हमने इनसे कहा भाई इस केस को निपटाओ। हाँ निपटा देंगे भाभी, निपटा देंगे। एक दिन रात में 12 बजे इन्होंने हमें फोन करा कि अगर ये उवैस उर्फ सुंदर गुड्डू मर जाएंगे तो हम, हमारे बच्चे जिम्मेदार नहीं है। हम फिर हम सुबह को इनके घर गए, क्योंकि ये पास में लेटे हुए थे, हमने इनके मारे कुछ कहा नहीं। हम सुबह को इनके पास गए, हमने उनसे कहा, हम अपनी बहू को लेकर गए थे कि भाई तुम कैसे नहीं जिम्मेदार हो, वो पैसा लाया होगा, तुम्ही को तो दिया होगा, हमें नहीं मालूम, कैसे भी हमारे बेटे को बरी करा दो, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे ये मरे या जिए, हमारे बेटे को बरी करा दो। कितने का कारोबार दिखा रहे हैं इसमें? इसमें 2,32,00,00,000 का कुछ ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हम लोग कोई ज्यादा पढ़े हुए हैं नहीं, जो हमें ज्यादा वो हो। अब हम कुछ नहीं चाहते, हमारा बच्चा बरी हो जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सीओ सेकंड संदीप सिंह ने बताया कि फूल मियां बेहद गरीब व्यक्ति हैं। उसके नाम से फर्म बनाकर 2 अरब से ज्यादा का टर्नओवर किया गया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जांच में कोई और आरोपी मिला तो उसका भी नाम खोला जाएगा। ये थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत कंधी टोला के रहने वाले फूलमिया हैं, जो कि जरी का कारोबार इनके यहाँ था, और इनका ये कहना है कि कुछ इनके परिचित जानने वाले हैं, उनके द्वारा बिजनेस के संबंध में इनके दस्तावेज जो है वो लिए गए थे, और नौकरी लगवाने की बात भी उनसे चल रही थी। इसी क्रम में जो दस्तावेज लिए गए थे उसके माध्यम से इनके खाते से, इनके बिजनेस खाते से 2 अरब से अधिक रुपए का जो है उसमें कारोबार होना जो है वो दर्शाया गया है, जिस खाते में उन लोगों ने जो है खुलवा के उसमें फ्रॉड किया है, इस बात की उन्होंने शिकायत की है। और चूंकि इतना बड़ा लेन देन उस खाते से हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके संबंध में इनकम टैक्स की एक नोटिस जब इनको प्राप्त हुई है तब इनको पूरा पकड़ इनके संज्ञान में आया है। इनका ये मानना है कि इन लोगों के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय को एक प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया था, जिसपे उनके आदेश से अभियोग पंजीत किया गया है। सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे देखी जाएंगी और जो सत्य होगा उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में आएगी। फूल मियां ने बताया कि फरवरी में नोटिस आने के बाद उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया। पहले तो वो लोग सब कुछ ठीक कर देने के नाम पर टहलाते रहे, इसके बाद धमकाने लगे।
तब उन्होंने एसपी सिटी को नोटिस दिखाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस और अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।